हमारे महले में जो पानी आ रहा है ये हर वक्त का मसला हो गया। ये हमारा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जो हर वक्त आ रहे फ़ोटो लेके हर कोई जा रहा, हर लीडर आ रहा फ़ोटो ले रहा जा रहा। हमारा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, लोग परेशान हाल है यहाँ पे। अना श्रीनिवास गौर साहब ना इंटला मोतम नील वच्चिना चिन्ना पिल्लर नलगुर पिल्लर उन्नारु नाकु इंटला ईड दाका नील वच्चिना एम चेयाले। लगातार पानी जो है कल रात से पड़ रहा है, आवाम बहुत ही गुस्से का इजहार कर रही है। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। ज़िला महबूब नगर मुस्तकर में कल रात से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और सड़कें हुई झील में तब्दील। नाजरीन, मुस्तकर महबूब नगर वार्ड नंबर 24 रामाबोली जो कि बड़े तालाब के नीचे की जानिब वाक़े है, हर साल बारिश से मुतासिर होता है और कई मकानात उसकी जद में आते हैं। मुकामी रियासती वज़ीर, ज़िला कलेक्टर और बल्दी अहदेदारों का इस खसूस में कई मरतबा दौरा हुआ और इस मसले को हल करने का तयक्कुन दिया, लेकिन रामायाबौली के आवाम का यह मसला आज तक हल नहीं हो सका। महबूब नगर में कल रात से जारी मुसलसल बारिश से रामायाबौली इलाका पूरी तरह पानी की जद में है और आवाम को हर मरतबा की तरह इस बार भी मसाइल का सामना करना पड़ा, जिससे मकामियों का गुस्सा भड़क उठा और रास्ता रोको एहतजाज करने लगे। वन टाउन पुलिस ने बरहम नौजवानों को समझाया और रास्ते को खाली करवाया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार रामायाबौली का यह मसाला कब हल होगा। मुकामी वजीर इस सिमत में कोशिश जारी रखे हुए हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कब रंग लाएगी और रामायाबौली को सैलाब से कब राहत मिलेगी यह वक्त ही बताएगा। जो भी है यहाँ नाला का वास्ते अमाउंट म्युनिसिपालिटी ने लगा है, उधर का क्या बोल तो पानी ज्यादा आने से डाइवर्ट करने लगा है। समस्या పరిష్కారం अस्सलाम वालेकुम मैं कांटेस्टेड काउंसलर रामायाबोली 24 वार्ड नंबर 24 से हूँ।
ये हमारे साथ में मतीन है और मुश्ताक रशीद साहब काउंसलर हैं, बाकी के महल के सब नौजवान बैठे हुए हैं। ये हमारे महल में जो पानी आ रहा है ये हर वक्त का मसला हो गया। ये हमारा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जो हर वक्त आ रहे फ़ोटो लेके, हर कोई जा रहा, हर लीडर आ रहा फ़ोटो ले रहा जा रहा है। हमारा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, लोग परेशान हाल है। यहाँ पे कोई भी पानी का सोल्यूशन नहीं दे रहे, ना मिनिस्टर साहब आ रहे, चेयरमैन साहब, कलेक्टर साहब, हर कोई आ रहा लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे। मैं मिनिस्टर साहब से, कलेक्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करें। खाली आके फ़ोटोआँ लेके जाने से कोई मतलब नहीं है, और तालाब का जो पानी डाइवर्ट करें हैं उसको तालाब में फिर से छोड़ दें उसको। और यहाँ पे सिर्फ और अलमास के पास ही पानी का प्रॉब्लम नहीं है, महल के अंदर कभी आके देखो यहाँ आ रहे हैं, जब भी अलमास के पास आ रहे हैं फ़ोटोआँ ले रहे हैं जा रहे हैं। इस वजह से पानी का एक मसला सिर्फ अलमास के पास नहीं है, पूरे महल रामाया बोली में, शिव शक्ति नगर में हर जगह प्रॉब्लम है। सब नौजवानों से हम लोग फिलवक्त बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन देके जाएं। गौड़ साहब अना चिन्नार गौर साहब ना इंटला मोतम नील वच्चिना चिन्ना पिल्लल नालुगुर पिल्लर उन्नारु नाकु इंटला ईड दाका नील वच्चिना एम चेयाले पिल्लम डेलीवरी की एम चेयाले चूपु चिन्नार गौर साहब ओक पनि चेप्पंडि सार एक्कड पोवाले चेप्पंडि चेप्पंडि सार मीरे वच्चि एमैना सोल्यूशन चेप्पंडि सार प्लीज सार ఒక్కసారి వచ్చి పోండి సార్ మీరు మహబూబ్ నగర్ కి చాలా మంచి పని చేసినారు సార్ ఇది ఒక్కటి మంచి పని చేసి పోండి సార్ పుణ్యం కట్టుకుంటాం సార్ అర్థం చేయండి సార్ చాలా పరిశ్రమ ఉన్నాం మనం సార్ ఒక్క 5 నిమిషాల కోసం కిందికి రండి సార్ అల్మాస్ కాడ కాదు సార్ కొంచెం కిందికి రండి సార్ విజయం స్కూల్ కాడ లేకపోతే మన గుడి కాడ రండి సార్ లోపల రండి సార్ ప్లీజ్ సార్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీకు అర్థం చేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్ లగాతార్ పానీ జో హే కల్ రాత్ సే పడ్ రహా హే आवाम बहुत ही गुस्से का इजहार कर रही है। अभी जो है मेन रोड पर निकल कर भी बैठे थे, अगर फिर सीआई साहब जो है ना यहाँ पर जो है कलेक्टर साहब को बुलाते हैं बोलकर बोले हैं कलेक्टर साहब इमीडिएटली यहाँ पर आना चाहिए। आवाम जो है ना बहुत परेशान है, अंदर कमरा अंदर जो है जाके देखेंगे तो मालूमगा। आज जो है नौजवान जो है मेन रोड पर जाके बैठ रहे हैं तो एक एहसास हो रहा है आवाम को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जब आवाम पानी में डूब रही है, कमसिन बच्चे डूब रहे हैं जिससे बीमारियाँ आ रहे हैं, और कई बच्चे जो है अस्पताल में मुंतकिल है जो डेंगू का शिकार हो चुके हैं। ये गंदगी जो है अगर ऐसी रहेंगी तो रामावली तबाह हो जा सकता है, और कई लोग जो है ना घर खाली करके जो है दूसरे महले में चले गए। आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या रामावली को जो है पूरा बर्बाद करने देखना चाह रहे हैं? अगर आप लोग अब इमीडिएटली एक्शन नहीं लिए, अगर वो नाले को जल्द से जल्द नहीं पलटाएंगे तो इंशाल्लाह लोगों का क्या है कि, मगर मैं ये करता अपील करता हूँ कि जब तक ये नाला नहीं पलटाया जाएगा, एक धरने की शक्ल में रात होने दिन होने दो दिन होने तीन दिन होने, ये पानी जब तक कम होगा जब तक यहाँ पर धरना दे, खाने पानी की फिक्र छोड़ो, लोगों की फिक्र करो। जो लोगों के लिए काम करता है सरकार का इरशाद है, जो उम्मत के लिए काम करता है वही नेक इंसान होता है। ये वक्त आवाम के लिए मदद करने का है, और महिला रामावली को सेल्फी पॉइंट बना के छोड़े, हर कोई आ रहा, हर लीडर आ रहा, हर एडिशनल आ रहा, हर ऑफिसर आ रहा, हर डिपार्टमेंट आ रहा, सिर्फ एक ये देखे जा रहा, खाली जो है ठंडा करके जा रहा, गुस्से को जो है ठंडा करके जा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जल। और हमारी रामावली के अवाम की भी बहुत बड़ी गलती है, जब पानी आ जाता है तो बाहर आते, पानी जब ख़त्म हो जाता तो फिर घर में चले आते। आओ अब मौका है, पूरे आ रहे हैं, अब जेसीबी अभी लगना और ये मसला हल होना तो हम रोड पे से हटेंगे। हमारे मसाइल, हमारे मसाइल।